जहां एक तरफ बिहार सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि मजदूर बिहार से बाहर जहां भी फंसे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है और उनके बीच राशन और पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आपको सिवान से दिखा रहे हैं हैरान करने वाली तस्वीर है। लेकिन इसके विपरीत मजदूरों का कहना कुछ और है। मजदूरों का कहना है कि जब उनके पास खाने का कोई व्यवस्था नहीं था और सरकार के तरफ से उनको भेजने के कोई इंतजाम नहीं हुए तो उन्होंने कंटेनर पे 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति देकर राजस्थान से मुजफ्फरपुर जाने के लिए कंटेनर बुक कर दिया। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते जब कंटेनर से मजदूर सिवान पहुंचे तो नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान से आ रहा हूँ, 4 दिन से आ रहा हूँ, रास्ता भुला गया हूँ, मतलब नहीं कुछ खाए नहीं कुछ किए, वहाँ हम लोग कोई व्यवस्था नहीं था, घर से पैसा मांग कर अपना घर जाने के लिए हम लोग चाहे तो जा रहे हैं। कितना कितना पैसा खर्च किया आप लोग? 2,000 2,000 रुपए। एक आदमी का 2,000। तो सरकार तो कह रही थी कि रेलवे का सुविधा दिए नहीं, तो आप लोग क्यों सोशल डिस्टेंस? जी सर, हम लोग के पास मतलब जो चारा नहीं चला 1.5 महीना से तो बैठा थे, बैठा बैठा खाने के लिए नहीं कंपनी नहीं, हम लोग ज्यादा सुविधा नहीं कुछ करता था। हम लोग 22 तारीख मतलब 20 तारीख को 22 तारीख लॉकडाउन हो गया सर, जाएंगे तो अपना दाल रोटी खाकर बसेरा कर लेंगे, इसलिए 2,000 रुपया देकर गाय भैंसी की तरह कसा कर जा रहा है। 4 रोज हो गया अभी हम लोग भूखे पड़े हैं, तो जिसमें के सवारी पर कोई खाने पीने का व्यवस्था रास्ता पैरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिहार सरकार तो बोल रही है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं और सर इसमें इतना पब्लिक है, इसमें कोई पब्लिक से पूछ लीजिए, कोई सुविधा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ तक देखे हैं यूपी के सरकार अपना गाड़ी व्यवस्था भेज कर बुलाया जा रहा है।